समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, आपने देखा होगा गुंडे बदमाश कितने हौसले उनके मन में, माफिया दबके की चोट पर अपने सीने का मटर खोल कर चढ़ गए। आज किसी माफियावाद की हिम्मत है चलने का? और हमारा बुलडोजर वाला बाबा तो जहां भी कोई गड़बड़ करता है बुलडोजर छोड़। और ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलाकर केवल उनके जो भी उन्होंने बिल्डिंग अथवा महल बना रखा है उसको केवल धराशायी कर देता है, बल्कि जिस जमीन पर वह बिल्डिंग बनी है वह महल बना है वहां पर गरीबों के लिए घर बनवा रहा है। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। जब तक चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी राज्य का अथवा देश का किसी भी चीज अपने विकास नहीं होगी। पहली शर्त को, विकास की पहली शर्त को हम लोगों ने पूरा किया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार आज आएगी तो बहनों भाइयों इन सब सारे गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाए, माफियाओं का वैसे ही बोलबाला हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यही 47 चीजें दोहराई जानी चाहिए? विकास यदि हमने कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है तो विकास दूसरी तेजी के साथ होगा। हर ब्लॉक और तहसील को दो लेन की पक्की सड़कों से जोड़ा गया। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो भारत माता के सपूत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। और हमारे मोदी जी इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गांवों के विकास के लिए जो भी हो सकता है बहनों भाइयों हमारी सरकार ने करने की कोशिश की है, बहुत कुछ करना शेष है।